फिल्मी पर्दे पर तो आपने काफी सारी प्रेम कहानियां देखी होगी, लेकिन सियासत की पेचीदा गलियों में टूटकर इश्क करने की ऐसी दास्तां आपने शायद ही सुनी होगी। दरअसल में ये बात कर रहे हैं हम सियासी घरानों से ताल्लुक रखने वाले सचिन पायलट और सारा अब्दुल्ला के अटूट प्रेम की। ये प्रेम कहानी सात समंदर पार यानी कि लंदन में शुरू हुई थी। जी हाँ दोस्तों, सचिन पायलट और सारा की पहली मुलाकात लंदन में हुई थी। इसके कुछ दिन बाद दोनों एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करने लगे। लेकिन जैसा कि आपको मालूम ही है कि हर मोहब्बत की कहानी में एक विलेन होता है, तो इस बार इनके इश्क का सबसे बड़ा रोड़ा बना मजहब। जी हाँ, इसके बाद जब इंडिया लौटकर सचिन और सारा ने अपने परिवार वालों को इस रिश्ते के बारे में बताया तो दोनों के प्यार के बीच मजहब की दीवार आकर खड़ी हो गई। एक तरफ सचिन हिंदू परिवार से थे तो वहीं सारा ताल्लुक मुस्लिम परिवार से रखती थी। कांग्रेस के दिग्गज नेता राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी सारा पायलट के भले ही हाई प्रोफाइल परिवारों में थे, लेकिन इसके बावजूद उनके धर्म की दीवारों ने दोनों के इश्क पर पहरा लगा दिया। एक तरफ जहां सचिन के परिवार ने इस शादी से साफ इनकार कर दिया, तो वहीं फारूक अब्दुल्ला ने भी सारा से इस मसले पर बात करने से इनकार कर दिया। लेकिन तमाम मुसीबतों को दरकिनार करते हुए इन दोनों ने एक बड़ा कदम उठाया और जनवरी साल 2004 में सारा ने अपने परिवार की परवाह किए बिना ही सचिन से शादी कर ली। सचिन और सारा की जोड़ी ने धर्म, जाति और राजनीति से ऊपर उठकर अपनी दुनिया बसा ली। इसके बाद धीरे धीरे दोनों तरफ के परिवारों ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। फिलहाल इस खूबसूरत जोड़े के पास दो बेटे अरान और विहान है। देखा आपने कि सचिन और सारा को अपने प्यार के लिए क्या क्या करना पड़ा। यही वजह है कि इन दोनों के प्यार की मिसालें आज भी दी जाती है। ITP न्यूज रूम की रिपोर्ट।